that for someone of his quality? सऊदी अरेबिया वर्सेस पोलैंड 22 मिनट हुए हैं और अभी 0-0 है। अगर सऊदी अरेबिया ये जीत जाता है और इधर अन्नी मचने वाली है, तो पहला आप यहाँ पर बैठ के ऑफिस में देख रहे हो, बट अगला मैच मैं फैन फेस्टिवल में जाके देखूंगा सऊदी फैंस के साथ ही। तो अभी सऊदी जर्नलिस्ट बैठे हुए ऊपर तमाम, मगर बाकी मैच मैं उनके साथ जाके देखूंगा। तो हाफ होने से उसके बाद चलते हैं, फिर आपको हल्ला गुल्ला दिखाते हैं। पोलैंड ने गोल कर दिए, खामोशी हो गई है यहाँ पर। 40 मिनट्स हुए, पोलैंड 1 सऊदी अरेबिया 0, बट सऊदी अरेबिया की गेम काफ़ी अच्छी जा रही है। अभी सो भी ऑलमोस्ट वो आधी गेम से ज़्यादा पड़ी है और सऊदी अरेबिया के पास अभी भी चांस है गोल करने का। सऊदी अरेबिया की जैसी गेम जा रही है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो गोल करते हैं, इनफैक्ट आई विल बी सरप्राइज अगर वो गोल ना करें। पोलैंड का ये है कि यार उनके पास दुनिया का एक बेहतरीन स्ट्राइकर है लेवनडॉफ्स्की, बट सऊदी अरेबिया की भी टीम कम नहीं है। तो देखते हैं, अभी आप खत्म होता है उसके बाद फैन फेस्टिवल चलते हैं, वहाँ जाके लोगों के सूरत हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तो अभी फिर बिल्कुल ही खामोशी आपको नजर आ रही है। पॉसिबल पेनल्टी, सऊदीज यहाँ पर जो मौजूद है उन्हें लग रहा है कि पेनल्टी है बट दी नहीं गई है। वीएआर उसको चेक कर रहा है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पेनल्टी हो जाए। लेट्स सी, क्लियर टच है, मतलब इससे ज्यादा क्लियर पेनल्टी हो नहीं सकती है। दिस हैज टू बी अ पेनल्टी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार, मतलब रिबाउंड के ऊपर भी चांस मिला है, वो भी नहीं कर पाए गोल यार। डबल सेव यार, फैंटास्टिक डबल सेव। पेनल्टी कुछ खास नहीं थी, बट जो रिबाउंड के ऊपर सेव किया है यार, ब्रिलियंट। फैन फेस्टिवल में तो आ गया हूँ, मगर अभी तक सऊदी अरेबिया ने गोल नहीं किया है और तकरीबन 25 मिनट मैच में रह गए हैं। एक्स्ट्रा टाइम आप मिलाएंगे तो तकरीबन 35-30 मिनट हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया हैज़ टू स्कोर, और कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट ड्रॉ करें ताकि अगले मैच के अंदर भी ड्रॉ अगर हो तो दे हैव अ चांस टू क्वालिफाई, अदरवाइज दे हैव टू विन दिस वन और अगला वाला गेम। लास्ट में अगर ये एक मैच भी हारेंगे तो दो मैच जीतना ज़रूरी है। सो गो सऊदी अरेबिया, आपको इनके फैंस की सूरत हाल भी दिखाते हैं। With a game to spare, they will be disappointed. Really close. सऊदी अरेबिया के अंदर एक गोल अभी है, दे हैव टू स्कोर अ गोल और उनकी जो गेम है इट मेरिट्स अ गोल। वेरी क्लोज, स्कोर्स इन द वर्ल्ड कप।
का दूसरा गोल और व्हाट अ मिस्टेक। दो गोल आखिरी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर बहुत मुश्किल होगा। जो गोल जो पेनल्टी मिस की थी बहुत कॉस्टली थी, और पेनल्टी के बाद अभी जो डिफेंसिव लैप्स था ये भी बहुत कॉस्टली है। ये भाई तो बहुत ही गुस्से में है यार। Is what threatens to be the decisive moment. He knew it as well, didn't he, Al-Malki? He's not the man to present that sort of opportunity to. Places it under the goalkeeper's arm. आखिरी 2 मिनट है। ये बहुत अच्छा खेलने के बाद भी दे लॉस्ट द गेम, बट ये वर्ल्ड कप उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी इफ दे विन अगेंस्ट मेक्सिको तो वो टॉप 16 में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए उन्हें। अभी भी बहुत अच्छा खेला सऊदी अरेबिया। आई थिंक अगर कोई टीम है जो सबसे ज़्यादा पैशनेट है, उसके फैंस और टीम के अपने अंदर जो हंगर है मैच खेलने की, ये मैच जीतने की, वो सऊदी अरेबिया की है। और यहाँ पर जो फैंस का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सऊदी अरेबिया को सिर्फ सऊदी सपोर्टर्स नहीं है, वो सिर्फ सऊदी फैंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अरब दुनिया है उसकी जो होप्स हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ी हुई हैं। इवन जो कतर के फैंस हैं वो भी सऊदी अरेबिया के साथ हैं। यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया का मैच होता है तो एक मेले का सा समा होता है। किसी और टीम का मैच होता है तो सिर्फ उसी मुल्कों के जो यहाँ पर शायकीन मौजूद होते हैं वही यहाँ पर होते हैं या वो ग्राउंड में होते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए अभी भी चांस है। टू बैड कल वहाँ पर जो है आमदादी नहीं होगी, मगर आज के लिए फ़िलहाल वो हार चुके हैं। अच्छा खेल खेलने के बाद भी थोड़ा सा अनलकी रहे, पेनल्टी भी मिस की, दूसरा गोल भी कंसीड गलत किया, बट स्टिल वेल प्लेड सऊदी अरेबिया। अगले मैच में दोबारा सऊदी अरेबिया को कवर करेंगे।